हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई वर्सेस गेमिंग। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन आज हम लोग मिल रहे हैं इसका बहुत ही बड़ा एक मोटिव है। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग क्लास नाइन्थ के सारे जो सब्जेक्ट हैं उसका सैम्पल पेपर यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, जिससे आप लोगों को बहुत सारी मदद मिलेगी और आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा मोटिव है कि आज हम लोग साइंस के सैम्पल पेपर को पूरा सॉल्व कर डालें। इसमें लगभग 15 क्वेश्चन है। ये एक स्कूल का है, ABC पब्लिक स्कूल। इसमें लगभग 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन पूरे टॉपिक से लिए गए हैं आपके, मतलब जैसे कि CBSE नॉर्म्स पे ये पूरे क्वेश्चन आधारित हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है और बताया गया है कि इन इंस्ट्रक्शन में, जैसा कि हम जानते हैं CBSE बोर्ड में भी बताया जाता है, पहले इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बच्चों को कि कैसे पेपर उन लोग को देना है, तो वैसे ही इसमें भी दिया हुआ है। जैसा कि आप जान रहे हैं, पहले ही बोल रहा है कि जो टाइम अलॉटेड है आप लोगों को वो 2 आवर्स है, यानी कि आप लोग को 2 आवर्स में ये पूरा सैम्पल पेपर कंप्लीट कर देना है, यानी पेपर आप समझ सकते हैं इसको कंप्लीट करके आपको अपने टीचर को सबमिट कर देना है। सो हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए कि इसमें पहला इंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि इसका मतलब है कि जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे कंपलसरी, यानी कि आप लोग कैसे भी ये पूरे क्वेश्चन करने, एक भी छोड़ने नहीं है वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। और दूसरा इंस्ट्रक्शन बोला है कि द क्वेश्चन पेपर हैज़ 3 sections and 15 questions, मतलब कि 3 भागों में विभाजित है पूरा सैम्पल पेपर और इसमें 15 questions हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। और तीसरे नंबर बोला हुआ है सेक्शन ए हैज़ 7 questions of 2 marks each, यानी कि सेक्शन ए में 7 questions हैं और 7 questions के 2-2 marks हैं, यानी कि 1 question 2 marks का है 7 questions तक। और सेक्शन बी में है 6 questions जिसमें आपको 3 marks के सारे क्वेश्चन हैं। और सेक्शन सी में है 2 case-based questions, जैसे अगर हम जानते हैं कि CBSE नॉर्म्स में बोला है कि बच्चों को केस बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे, केस बेस्ड, तो उसमें 2 case-based भी क्वेश्चन आएंगे और 4 marks के दोनों केस बेस्ड होंगे। उसके बाद बोला गया है कि इंटरनल चॉइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस, अ स्टूडेंट हैज़ टू अटेम्प्ट ओनली वन द अल्टरनेटिव इन सच क्वेश्चंस, यानी कि बोल रहे हैं कि इंटरनल चॉइसेस, यानी कि बहुत सारे आपको और के ऑप्शन मिलेंगे कि आप लोग ये क्वेश्चन करिए या ये क्वेश्चन करिए, ऐसे आप लोग इंटरनल चॉइसेज मिले हुए हैं, आप लोग अपने जो क्वेश्चन आएगा वो उसको आप लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में 7 questions हैं और 7 questions 2-2 marks के हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये बोला है, पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर से, जो कि है 2 atoms हैव द फॉलोइंग न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन, यानी कि 2 atom का न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला बोला है कि 17 protons, एटम ए में जो है वो 17 protons है और 18 neutrons है, और एटम बी में बोला है ये कि 17 protons है, 20 neutrons है। उसके बाद ये क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे कि व्हाट आर देयर मास नंबर्स, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन 2 species। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग इसको फाइंड करते हैं मास नंबर। जैसा कि आप लोग फ्रेंड्स जानते हैं, मैं इधर आप लोग को पेज करके दिखा देता हूँ कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो फ्रेंड्स, मास नंबर आप जानते हैं कि मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी हो उस एटम्स में और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कि एटम ए में जो है वो 17 protons और 18 neutrons है। चलिए हम लोग पहले एटम ए का निकालते हैं। फर्स्टली अबाउट एटम ए, एटम ए का मास नंबर फाइंड करते हैं हम लोग। तो एटम ए के बारे में क्या बोला है, 17 protons और 18 neutrons है, तो हम लोग मास नंबर इसका फाइंड कर सकते हैं। मास नंबर इज इक्वल टू, पहले मैं एक बार देख लेता हूँ कि कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है 17 protons और 18 neutrons हैं, तो 17 plus 18 तो आपका ये आएगा 35 मास नंबर इसका आ जाएगा। तो ये एटम ए का हो गया आपका, ये एटम ए का मास नंबर हो गया। अब हम फाइंड करते हैं ऐसे ही एटम बी का, तो एटम बी का ऐसे ही फाइंड कर लेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, आप लोग ये सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग ने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोग ने फाइंड करना सीखा होगा कि कैसे हम लोग मास नंबर फाइंड करते हैं। तो वैसे ये भी क्वेश्चन है सेम, मास नंबर भी इसमें भी हम लोग करेंगे।
और इसमें सेकेंड वाले में क्या दिया हुआ है, 17 प्रोटॉन्स और 20 न्यूट्रॉन्स हैं। इसमें प्रोटॉन सेम है, तो 17 प्रोटॉन्स प्लस 20 न्यूट्रॉन्स इसमें अब आ गए हैं, तो आपका अब हो जाएगा ये 37, इसका मास नंबर हो जाएगा एटम बी का। ये हो गया, तो अब तो हमने पहला इसका पार्ट कर लिया। अब क्या बोला, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, तो रिलेशन इसमें क्या है कि आप लोग देख सकते हैं अभी प्रोटॉन सेम है, यानी कि प्रोटॉन सेम है यानी कि उसका एटॉमिक नंबर सेम है। इन दोनों मतलब जो ये आप लोग का स्पीसीज पूछा है, इसमें एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर यानी कि जैसे कि उन्होंने मास नंबर फाइंड किया तो 35 एटम ए का है और 37 एटम बी का है, तो यहाँ मास नंबर डिफरेंट हो गया, इसलिए हम लोग इसको कह देंगे कि सेम मास एटॉमिक नंबर है, बस मास नंबर डिफरेंट है। तो इसका रिलेशनशिप हो जाएगा कि ये आइसोटोप्स है। आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी भी एलिमेंट की आइसोटोप्स होते हैं, उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है सेकंड का ए पार्ट, नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ये तो आप लोग आराम से कर लेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल पूछा है तो आप लोग इलेक्ट्रॉन लिख देंगे और प्रोटॉन लिख देंगे और न्यूट्रॉन लिख देंगे, ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी था। अब हम लोग चलते हैं बी पार्ट पे, हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4u एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मैनी न्यूट्रॉन डज इट हैव। ये पूछा है आपको कि इसके न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग को दिया हुआ है कि हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 4u एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट, यानी कि बोल दिया है वो कि आप लोग के पास उसका जो एटॉमिक मास है उस एटम का वो 4 है और प्रोटॉन की संख्या 2 है। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी पूरा मास होता है एटम का वो किसके मास से जुड़ता है, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के मास से। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन का दे दिया है और इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल कर रहे थे क्योंकि बहुत छोटा मास होता है उसका, इसलिए हम लोग अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करेंगे तो एटॉमिक मास आ जाएगा एटम का जो भी होगा। तो इसमें 4u दिया हुआ है उसका एटॉमिक मास और 2 प्रोटॉन दिया हुआ है, तो 4 में 2 माइनस कर देंगे हम लोग तो 2 आ जाएगा न्यूट्रॉन उसका। आप लोग जानते ही हैं 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा न्यूट्रॉन उस एटम का। यही बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी हो गया आप लोग से। चलिए अब इसमें दिया हुआ है, और मैंने तो ये मेरा ही मतलब पेपर है, मैं नाइन्थ क्लास में हूँ, मैंने सॉल्व किया था तो मैं तो बी वाला किया था, और आप लोग को ये भी और के बाद ये वाला करने अच्छा लगे तो आप लोग ये कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो बी वाला किया था क्योंकि थोड़ा इजी लगा था इसलिए मैंने कर लिया था। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट मास डिफाइन इट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग एनसीईआरटी में दिया हुआ है फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ कि फॉर्मूला यूनिट मास का मतलब होता है कि जैसे कोई भी आपको कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको CaCO3 दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, CaCO3 दिया हुआ है आपको, तो अगर आप लोग को बोल दिया वो कि CaCO मतलब कि बोला है कि फॉर्मूला यूनिट मास बताइए, तो जैसे कि आप लोग कोई कंपाउंड दे दिया और फॉर्मूला यूनिट मास निकालना हो तो फॉर्मूला यूनिट मास का मतलब ही होता है कि सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेज ऑफ दैट एटम्स दैट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। यानी कि अगर हम लोग जो भी एटम इसमें प्रेजेंट है, कैल्शियम और कार्बोनेट, इन दोनों का क्या बोलते हैं एटॉमिक मासेस प्लस कर देंगे तो उनका जो भी आएगा इन दोनों का एटॉमिक मास प्लस करने के बाद वो हो जाएगा फॉर्मूला यूनिट मास। यही होता है फॉर्मूला यूनिट मास, तो आप लोग इसको अपने वर्ड में लिख दीजिएगा। उसके बाद बोला बी पार्ट, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2, एटॉमिक मास CA का 40 दिया हुआ है और Cl का 35.5 दिया हुआ है, तो मैं इधर आप करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि हम लोग ना फॉर्मूला यूनिट मास हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास में कि जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उसको पूरे एटम्स के एटॉमिक मास को प्लस कर लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है CaCl2 दिया हुआ है, तो CA का कितना मास दिया हुआ है 40u, तो हम लोग यहाँ पे CA का लिख लेते हैं 40u, और क्या दिया हुआ है CL का 35.5 दिया हुआ है, हम लोग प्लस कर लेंगे 40 + 35.5 × 2, क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप लोग CL के दो एटम हैं, तो हम लोग इसके × 2 करेंगे। अब जो भी आंसर आएगा, मैंने तो अभी किया नहीं है, जो भी आंसर आएगा आप लोग का वो आप लोग का इसका फॉर्मूला यूनिट मास हो जाएगा इस कंपाउंड का। चलते हैं हम लोग अपने हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टे इन टू कंडीशन ऑफ गुड हेल्थ,
दो कंडीशन हमको बतानी है गुड हेल्थ के लिए कि कब कब हम लोग का जो जो कंडीशन होगा तो हम लोग गुड हेल्थ मान सकते हैं, मतलब हम लोग का कंडीशन बताना है कि गुड हेल्थ में क्या कंडीशन होता है। जैसे कोई भी आदमी का हेल्थ गुड है तो क्या कंडीशन है उसका कि वो उसका हेल्थ गुड है। तो आप फ्रेंड्स लिख सकते हैं इसमें कि दो कंडीशन क्या होगा गुड हेल्थ का। तो मैं बता देता हूँ आपको, मैंने लिखा था कि दो कंडीशन हेल्थ का, कि अगर जो पर्सन है वो अगर कोई पर्सन मेंटली फिजिकली और सोशली जो है वो फिट है अपने बॉडी में, पूरा मेंटली सोशली और फिजिकली पूरा पूरा फिट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो बंदा है उसका गुड हेल्थ है, मतलब हेल्थ उसका गुड है। और दूसरा कंडीशन कि अगर आपको प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी है, आप लोग सराउंडिंग में जो सैनिटेशन फैसिलिटी होता है वो अगर प्रॉपर है या इम्प्रॉपर नहीं है, तो आप लोग कह सकते हैं कि जो भी पर्सन या जो भी कम्युनिटी होगा वो गुड हेल्थ में होगा। यानी कि दो कंडीशन ये होगी गुड हेल्थ की, यानी कि इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि वो आदमी गुड हेल्थ में रहेगा। अब हम लोग आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। तो पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू यू हैव द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन योर हेल्थ एंड लाइकली टू मोस्ट अनप्लीजेंट वाई। बोल रहा है कि इन तीनों में से कौन से कंडीशन में आप लोगों बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, तो हम पढ़ लेते हैं। पहला कंडीशन क्या बोला है, इफ़ यू गेट जॉन्डिस, इफ़ यू गेट लाइस, इफ़ यू गेट एक्ने। तो हम लोग पहले ही देख लेते हैं कि लाइस का मतलब क्या होता है। हिंदी में लाइस का मतलब जुआ होता है जो आप लोग बाल में पड़ जाता है, तो उससे तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है हम लोग के हेल्थ पे, तो ये तो पहले ही ऑप्शन कट गया। और दूसरा तीसरा क्या बोला, इफ़ यू गेट एक्ने, एक्ने यानी पिंपल, एक साधारण वर्ड में पिंपल बोल लीजिए, तो उससे भी ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं हम लोग के हेल्थ पे, तो ये भी ऑप्शन गया, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। और तो ये हम लोग आंसर हो जाएगा इफ़ यू गेट जॉन्डिस। और वाई क्योंकि जॉन्डिस जो होता है वो हम लोग के लीवर पे अफेक्ट करता है, तो अगर हम लोग कोई भी जो मतलब डिजीज़ है वो किसी भी ऑर्गन पे अफेक्ट कर रहा है, तो जाहिर बात है कि वो ऑर्गन डैमेज होगा, और वो ऑर्गन डैमेज होता तो कन्फर्म है कि वो पर्सन लाइकली है कि बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। तो फ्रेंड्स यही हम लोग का आंसर हो जाएगा इफ़ यू गेट जॉन्डिस, तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। और आप लोग इसको डिफाइन कर दीजिएगा कि क्यों ये हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी, इसका सी पार्ट, व्हेन सी इज अ फोर डेज, सॉरी मैंने तो क्वेश्चन सेवन्थ क्वेश्चन मैंने सी पार्ट दिया, उसको सी पार्ट था। सेवन्थ क्वेश्चन, अ स्टोन एंड द अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, वाई देन वी सी ओनली द स्टोन फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ बट नॉट द अर्थ राइजिंग टूवर्ड्स द स्टोन। इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर हम लोग जानते हैं कि अर्थ कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट करता है और इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से कोई भी चीज़, तो बताइए कि why then we see a stone, हम लोग क्यों देखते हैं कि स्टोन जो है वो अर्थ की तरफ गिर रहा है बट अर्थ जो है वो स्टोन की तरफ नहीं गिर रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि a इक्वल टू क्या होता है, f अपॉन m होता है, a इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू f अपॉन m होता है, यानी कि जो है वो एक्सेलरेशन है वो मास पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिसका मास ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो अर्थ का जो है वो मास ज़्यादा है इसके लिए एक्सेलरेशन तो कम होता है, इसके लिए वो स्टोन के पास नहीं जा पाता है, और स्टोन का मास होता है वो बहुत ही कम होता है, इसके वजह से एक्सेलरेशन वो ज़्यादा कर पाता है, इसकी वजह से वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लीजिएगा, मैंने इसको छोड़ा था, ये भी और पार्ट में है, इंटरनल चॉइस है आपका। अब मैं चलता हूँ सेक्शन बी पे। सेक्शन बी हम लोग का 8th क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। मॉलिक्यूलर मास फॉलोइंग क्या हम लोग फाइंड करना है, तो मैं बता देता हूँ आप लोग को कैसे किया आता है। तो हम लोग को जो एटॉमिक इसमें एटम दिया हुआ है उन सबका एटॉमिक मासेस प्लस कर लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मुला यूनिट मास में किया था। तो इसमें दिए देखा आप लोग को दिया हुआ है एटॉमिक मासेस, जैसे कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, एल्यूमिनियम का, सल्फर का, कुप्रम यानी कॉपर का दिया हुआ है। तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे इसके पहला क्वेश्चन क्या है, C12H22O11 यानी कि सुक्रोज का पूछा हुआ है आप लोगों, तो इसका हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन क्या होता है, कार्बन का यहाँ पे दिया हुआ है 12, तो 12 × 12 प्लस एच का क्या दिया हुआ है 1, तो 1 × 22 प्लस ओ का क्या होता है 16 होता है, 16 × 11। जो भी आप लोग का आंसर आएगा वो हो जाएगा इसका आंसर, मैंने मेथड बता दिया, आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्या बोला है, Al2SO4 हम लोग को निकालना है, तो हम लोग निकालते हैं Al2SO4 3 है, तो अब हम लोग निकालते हैं इसका Al2SO4 3 का। चलिए फ्रेंड निकालते हैं Al2SO4 3 का। तो हम लोग देखिए तो एल्यूमिनियम का यहाँ पे मास दिया हुआ है, तो 27 × 2 एटम है, हम लोग देख सकते हैं तो दो एटम है उसके, प्लस जो एस के कितने होते हैं, एस का क्या होता है मास 32, तो 32 प्लस
O4 यानी कि O4 क्या हम लोग का ऑक्सीजन के 4 एटम यानी कि 16 × 4 × 4 होल थ्राइस यानी कि होल जो हम लोग का आंसर आ जाएगा इसका उसका होल इंटू कर देंगे तो उसके बाद इसको इंटू करके प्लस कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा इसका। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है CuSO4 5H2, ये 5 है आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, ये 5H2 है CuSO4 5H2O। तो इसका आंसर हो जाएगा Cu का दिया हुआ है हम लोग को 63.5 एक ही आइटम है प्लस 32 सल्फर के हैं प्लस ऑक्सीजन के 4 है 16 × 4 प्लस डॉट का मतलब यहाँ पे प्लस है, डॉट दिया हुआ है इसका मतलब आप लोग प्लस है। उसके बाद क्या करना है 5H2 यानी कि 5 हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस 16 इसका भी आप लोग कर देंगे ऐसे तो ये आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन। और हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। ये क्या बोला है एन एलिमेंट ई इज ट्राइवेलेंट राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, यानी कि बोला है कि एक एलिमेंट ई है वो ट्राइवेलेंट है तो फॉर्मूला बनाना है हम लोग को क्लोराइड का। तो हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे ई क्या बोला है ई जो एलिमेंट है वो ट्राइवेलेंट यानी कि तीन उसकी वैलेंसी है, वैलेंसी तीन हो जाएगी आप लोग समझ सकते हैं उसकी वैलेंसी तीन हो जाएगी तो हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ई के नीचे उसकी वैलेंसी 3 लिख सकते हैं हम लोग और Cl, तो Cl का हम जानते हैं वैलेंसी 2 होती है 2 ऐसे लिख लेंगे उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप लोग आ जाएगा E2Cl3 ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं आप किसका बनाना है ऑक्साइड का बनाना है, ऑक्साइड का ही बन जाएगा E3 उसके नीचे उसकी वैलेंसी O उसकी वैलेंसी 2 होती है 2 इसकी ही बन जाएगा इसका भी वैसे ही है E2O3 ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट निकाल लेते हैं हम लोग इसका। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है इसका सल्फाइड का बनाना है सल्फाइड का तो सल्फाइड का ही बन जाएगा ई उसके नीचे उसकी वैलेंस 3 और एस उसका वैलेंसी -2 यानी कि 2 होता है इसका ही बन जाएगा ई टू एस थ्री। तो ये हो गया इन तीनों का जो था फॉर्मूला बनाना था ये हम लोग का बन गया इन तीनों का फॉर्मूला ये था इसका फॉर्मूला अब हो गया। अब हम चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैच द क्या बोला क्वेश्चन मैच द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट गिवन इन द कॉलम ए विद देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर एज गिवन बिलो। हम लोग क्या करना है कि मैच करना है साइंटिस्ट को जो कॉलम ए साइंटिस्ट दिए हुए हैं और कॉलम बी में उनकी डिस्कवरी दी हुई है तो उनसे रिलेटेड ये सब हम लोग प्लस कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या बोला है पहला आंसर रदरफोर्ड, तो इसमें ढूंढेंगे आंसर रदरफोर्ड न्यूट्रॉन नहीं किए थे वो डिस्कवर, कनाल्ड्री भी नहीं उनसे रिलेटेड था, स्टेशनरी ऑर्बिट भी नहीं था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं था, इनविजिबिलिटी ऑफ एटॉम भी नहीं था, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस हाँ ये आंसर है सही है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आप लोग का क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस को बताया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और जे थॉमसन पे आ जाएंगे जे थॉमसन ने क्या किया था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि फोर्थ पार्ट ये हो जाएगा। उसके हम लोग का डाल्टन पे आ जाएंगे सी डाल्टन यानी कि डाल्टन हम लोग बताए थे इनविजिबिलिटी ऑफ एटम ये फिफ्थ वाला ये आप लोग का ये हो जाएगा। उसके बाद है नील बोर बताए थे आप लोग का स्टेशनरी ऑर्बिट थर्ड वाला ये हो जाएगा नील बोर। अब आ जाएंगे जेम्स चैडविक वो तो न्यूट्रॉन किए थे आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं ई गोल्डस्टीन वो तो कैनाल रहे थे यानी कि प्रोटॉन का डिस्कवरी किए थे ये भी हो जाएगा हम लोग का। तो ये हम लोग का हो गया मैच द फॉलोइंग आप लोग देख सकते हैं ध्यान से ये मैंने किया हुआ है इधर। अब कर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब क्वेश्चन नंबर 11 अ बॉल फॉल्स टू द ग्राउंड एज सोन गिवन बिलो। एक बॉल है वो नीचे गिर रहा है वो दिया हुआ है ऐसे व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा वो जो बॉल हिट कर देगा ग्राउंड पे। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम लोग को चाहिए पहली बात तो चाहिए हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी हम लोग जानते हैं क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ये होता है। तो यहाँ पे ऊपर पहले हम लोग ध्यान से देखें ऊपर तो जब बॉल नीचे गिर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है जब उसको नीचे मतलब अभी जब बॉल अभी हम लोग छोड़े नहीं जब हम लोग हाथ में रखे हुए हैं तो अभी तो काइनेटिक एनर्जी है ना उसकी उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी 82 दे दिया है तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी पता चल गई काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे 0 है तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी निकाल सकते हैं वहाँ पे। तो निकाल लेंगे मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू 80 प्लस 0 तो हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी भी 80 ये हो जाएगा। अब क्या बोला है हम लोग को
कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी पता चल गई और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 80 जूल है, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगा। तो हम लोग ऐसे यहाँ से निकाल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी इजक्ल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी 80 आ चुका है हम लोग का, इजक्ल टू पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग का आ चुका है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है हम लोग का, अभी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे देखिए जब नीचे गिर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी उसका जीरो है, अभी जो नीचे गिर रहा है हिट कर रहा है ग्राउंड पे, तो वहाँ पे हिट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी हाइट जीरो हो गई होगी, तो वहाँ पे उसका जो होगा पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो कर लेंगे प्लस काइनेटिक एनर्जी कर लेंगे, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या आ जाएगा 80 जूल आ जाएगा यहाँ पे। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, ये मतलब फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट भी इसमें पूछा हुआ है। क्या है सेकंड पार्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल एट बी, पोटेंशियल एनर्जी भी बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, मैकेनिकल एनर्जी हम लोग को पता है चेंज होगा नहीं मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो 80 ये है और क्या दिया हुआ है 48 काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है प्लस पी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग आ जाएगा यहाँ से 32 जूल। ऐसा ही टाइप लगाना मत भूलिएगा वरना आप लोगों नंबर कट सकता है। तो ये हम लोग आंसर हो गया, तो ये हो गया हम लोग ऐसे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, सी इसका पार्ट है, विच लॉ यू हैव मेड यूज इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन, कौन सा लॉ आपने यूज किया है इसको आंसर करने में। तो ये तो बहुत ईजी है, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे लिख लीजिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट का। तो ये सी बी ए सब पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ पंप विच टेक्स 10 सेकंड टू लिफ्ट 100 केजी ऑफ वाटर टू अ सेवरल टैंक सिचुएटेड एट हाइट ऑफ 20 मीटर जी। हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं। तो हम लोग क्या निकालना है यहाँ पे, हम लोग को निकालना है यहाँ पे व्हाट इज द पावर, पावर निकालना है। पावर हम लोग जानते हैं क्या होता है, पावर इज इक्वल टू, पावर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एक पावर का। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। तो दिया हुआ है कि पंप जो है वो 10 सेकंड ले रहा है, टाइम दे दिया है 10 सेकंड, और लिफ्ट कर रहा है 100 केजी, उसका वेट मास भी दे दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है हाइट 20 मीटर, यानी कि जो पंप है वो 10 सेकंड में टाइम ले रहा है 100 केजी ऑफ वाटर को लिफ्ट करने में 20 मीटर तक, यानी कि इसमें ना हाइट बढ़ रहा है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। तो वर्क डन हम जानते हैं यहाँ पे वर्क डन चेंज हो जाएगा, तो पावर इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला बन जाएगा जो एनर्जी है अपॉन टाइम, ये हो जाएगा हम लोग का। तो एनर्जी क्या है यहाँ पे MGH, जो वाटर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे MGH है, और टाइम यहाँ पे, तो सारे वैल्यूज को रख के मास क्या दिया हुआ है 100 इंटू जी 10 लेना है, इंटू हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट हम लोग को लेना है 20 मीटर और 10 सेकंड लेना है हम लोगों। तो ये हम लोग ऐसे कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 से 10 ऐसे काट देंगे और इस कर देंगे, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा जूल पर सेकेंड 2000 जूल पर सेकेंड, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 किलो वाट। तो ये जो वाटर टन की पंप है उसका पावर हो जाएगा 2 किलो वाट, आप लोग देख सकते हैं ऐसे निकलेगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये पेपर हम लोग सॉल्व हो गया 12th क्वेश्चन, अब हम लोग आते हैं इस पेपर पे। तो ये पेपर बचा हुआ है हम लोग का, अब हम लोग का क्या है, वॉट आर द डिफरेंट मीन्स बाई विच इन्फेक्टिव डिजीज आर स्प्रेड राइट इन 6 पॉइंट। तो बताना है हम लोग को कि क्या डिफरेंट मीन्स है जिससे हम लोग का डिजीज जो है इन्फेक्टियस डिजीज वो ट्रांसफर हो सकता है। तो मैं आप लोग बता रहा हूँ कि पहला मीन्स तो आराम से हो जाएगा आप लोग का वैक्टर बॉन्ड वैक्टर के थ्रू जा सकता है, सेकेंड हो जाएगा आप लोग का वाटर के थ्रू जा सकता है, थर्ड हो जाएगा आप लोग का फूड के थ्रू जा सकता है, फोर्थ हो जाएगा आप लोग का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू जा सकता है, जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हम लोग का होता है उसके थ्रू जा सकता है, और फिफ्थ हो जाएगा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जा सकता है, और सिक्स्थ हम लिख देंगे एयर के थ्रू।
तो ये 6 पॉइंट हो गया जिसके थ्रू हम लोग का इन्फेक्टेड डिजीज है वो ट्रांसफर हो सकता है, इन्फेक्टेड डिजीज। ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का 13 क्वेश्चन का। ये हम लोग 6 पॉइंट है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको पेपर में। अब है उसके बाद सेक्शन सी 14 क्वेश्चन। ए व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम, एटॉमिक मास इतना दे दिया हुआ है। तो 4 मोल्स हम लोग बताने हैं एल्यूमिनियम एटम के, जिसमें है एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इतना दे दिया हुआ है। तो हम लोग को एल्यूमिनियम के एटम का एल्यूमिनियम एटम व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, मास हम लोग निकालना है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम का। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, हम लोग पेपर में कर लेते हैं इसको, कि क्या बात निकालना है हम लोग को। हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल जो होता है वो इक्वल होता है मास गिवन अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से हम इसको भेज सकते हैं इधर, तो नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास इक्वल टू मास हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोग का कि 4 मोल है इसका, तो 4 मोल यहाँ 4 लिख लेंगे इंटू मोलर मास क्या है एल्यूमिनियम का 27 कर लेंगे और निकाल लेंगे, तो आप लोग को आ जाएगा 110 ग्राम इसका मास आ जाएगा 4 एटम का एल्यूमिनियम एटम का। तो यही हो जाएगा आंसर आप लोग का। अब चलते हैं इसके बी पार्ट पे, कन्वर्ट इनटू मोल 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही सेम फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल मास गिवन अपॉन मोलर मास, यही फॉर्मूला लगेगा। तो आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग को मास 22 ग्राम ऑफ और कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोग मोलर मास निकाल ही सकते हैं। CO2 होता है कार्बन का मास रखिएगा और एटम का मास रखिएगा और ऑक्सीजन का, तो उसको प्लस कर देंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये भी वैसे ही सेम क्वेश्चन है, उसका सी भी वही क्वेश्चन है, वैसे ही करना है। और डी में थोड़ा प्रॉब्लम आप लोग होगा तो उसको मैं बता देता हूँ। डी में बताना है हम लोग को, देख लीजिए, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि फॉर्मूला बनाना है। तो पहला पार्ट क्या है, कॉपर ब्रोमाइड तो हम लिख लेते हैं कॉपर ब्रोमाइड, तो इसका निकल जाएगा कॉपर का हम लोग जैसे कि जानते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर का हम लोग जानते हैं वैलेंसी क्या होता है 2 और ब्रोमाइड क्या होता है 1। तो इसको ऐसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोग का हो जाएगा Cu Br2, ये हम लोग आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट क्या है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट यानी कि एल्यूमिनियम नाइट्रेट का बनाना है। तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का ही बन जाएगा आप लोग आराम से, तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट Al2, एल्यूमिनियम का क्या होता है, एल्यूमिनियम का हम लोग जानते हैं एल्यूमिनियम और नाइट्रेट Na3 माइनस इसका 1 वैलेंसी इसका 3 वैलेंसी, तो ऐसे हम ट्रांसफर करेंगे तो AlNO3 होल थ्राइस हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। और हम चलते हैं हम लोग के 15 क्वेश्चन पे, तो बोला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट डेट, ये तो पढ़ लेंगे आप लोग। उसके क्या बोला है स्टेट न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन नहीं है ये न्यूटन है, इसको आप लोग न्यूटन कर लीजिएगा, न्यूटन स्टेट न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आप लोग बता देंगे इसको, आप लोग खुद से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि न्यूटन जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो था कि बोल रहा था वो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनका जो होता है मास पे जो होता है वो फोर्स ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो रेडियस होता है डिस्टेंस उसके स्क्वायर पर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप लोग इसको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। उसके बाद क्या बोला है बी पार्ट, इफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ इज ट्रू देन व्हाई डोंट वी नोटिस सच फोर्सेस। हम लोग बोल रहे हैं कि न्यूटन यूनिवर्सल लॉ सही है तो हम लोग क्यों नहीं उस फोर्स को देख पाते हैं, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा साफ साफ कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है इस यूनिवर्स में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और सी पार्ट क्या है, व्हाई डोंट द टू ऑब्जेक्ट इन द रूम मूव टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू दिस फोर्स। तो ये मैंने तो किया नहीं था, आप लोग करना हो तो कर लीजिएगा, मैंने ये किया था व्हाट इज जी डिराइव इट्स वैल्यू ऑफ जी। तो हम जी को बता सकते हैं, जी क्या था, जी एक था, जी इज एन यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट यानी कि उसकी वैल्यू कोई बदल नहीं सकती है। और क्या बोला है डिराइव इट्स एसआई यूनिट, तो हम लोग जानते हैं एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। एफ को इधर भेजेंगे जी को इधर भेजेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा जी इज इक्वल टू एफ इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो उसके अलावा जी के सबकी एसआई यूनिट आप रख देंगे, तो एफ फोर्स का क्या होता है न्यूटन, मास का क्या होता है kg इंटू kg
अपॉन मीटर का स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग करेंगे सॉल्व, इसको रीअरेंज करेंगे तो जी इक्वल टू आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। तो यही था क्वेश्चन। देखिए ये सारे हम लोग सारे 15 क्वेश्चन कर लिए इसके। आशा करता हूँ कि आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, और अगले सेशन में हम लोग SST का जो होता है उसका सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सारे स्टे ट्यून्ड विद अस, और हम लोग को रिकमेंड करिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करिए इस वीडियो को, और अगर आप लोग को ये वीडियो फायदेमंद लगा हो तो। थैंक यू।